वेलकम टू विजय कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है दोस्तों। आज बनाने वाली हूँ आचारी चिकन रेसिपी, बहुत बेहतरीन बनेगा मेरा तरीका से मैं बनाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहे, स्टीम मत कर, जल्दी बना के आप लोग को दिखाऊं। चलिए दोस्तों बनाने को स्टार्ट करते हैं। तवा डालेंगे, मैं तवा से नॉन स्टिक में बना के देख रहे हैं, क्योंकि एक की पोर्शन में बना के दूंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 1 किलो 2 किलो नहीं है। मैं बना रहा 200 ग्राम का चिकन। पहले लूंगा तेल, तेल डालूंगा। आचारी चिकन में थोड़े तेज ऑयल चाहिए ज्यादा। इसके बाद हमने ऑयल काटा हुआ प्याज डालूंगा, इस बार से थोड़ा तो शॉर्ट कर लूंगा। एक डालूंगा, मैं लिया 1.5 चम्मच का, मतलब 20 ग्राम का, अच्छा था दूसरे प्याज का था, तब अच्छापन जाने तक फ्राई करेंगे। अभी मैं डालूंगा चिकन, मैं काटा छोटा छोटा पीस से काट लिया, देखिए 200-300 ग्राम चिकन लिया। इसके साथ बताऊंगा पहले कुकिंग करूंगा, पहले हाफ फ्राई कर लूंगा, इसके बाद में मसाला डालूंगा। हाफ फ्राई हो गया, आधा स्पून हल्दी पाउडर, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा चिकन मसाला पाउडर, इसे सारे को मिक्स कर लूंगा। टमाटर का पेस्ट, मैं लिया 2 टमाटर का पेस्ट कर रखा था, इसको डाल दूँ, इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा। पटला का पाउडर, तो अच्छी तरह से पकाना। तो अभी 1/2 कप पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 15 मिनट तक बॉईल करने को रख देंगे, मतलब कुक होने से रख देंगे ढक्कन डाल। ढक्कन डाल दो, इसका बंद दोस्तों जाऊंगा आचारी। दोस्तों छोरी थी सोरसा, मतलब राई, क्वांटिटी हिसाब से मसाला करिए। इसका बाद में डालो साबुत जीरा, फोरस करना है उसको। इसका बाद में बड़ा जीरा, मैंने दोस्तों सोम बोलते हैं, तो सूखा मिर्ची 5 से 6 टुकड़ा में कर लिया, गोटा धनिया, और आप उड़लुआ बोलते हैं ना मेथी, इसको भी डाल सकते हैं। को रोस्ट कर लेंगे, हाफ फ्राई करूंगा। उसका बाद में क्रश वाला पाउडर कर लूंगा, फ्राई कर लें इसमें, इस जार में डाल के क्रश पाउडर कर लूंगा। अचार पाउडर कर लिया, इस तरह है अचार का मसाला बने। इसके साथ आप लोग चाहिए तो मेथी डाल सकते हैं, उड़लुआ जिसको बोलते हैं। फिर तो ढक्कन खोलूंगा अभी, मजे का चिकन पाल दिया। अब आज मैं डाल दूंगा जो मसाला कुटा हुआ था भून के, इसको डालूंगा। वो ये इसको मिक्स कर लूंगा। आप लोग चाहे खट्टा चाहिए, खट्टा देने के लिए आप लोग के पास घर में खट्टा रहेगा इसका फ्लेवर लेके वो डाल सकते हैं, नहीं तो दही डाल सकते हैं। मैं दही ही डालूंगा, आचार ही डालूंगा, कोई भी आचार रहेगा। तो आचार डाल दे रहा हूँ, आचार का तो मसला रहता है, मैं कौन सी स्वाद में डाला आप लोग तो डाल सकते हैं, जितना चिकन होगा उतना डाल सकते हैं। रेडी हो गया, इसके बाद में बनाऊंगा हाथों में से नॉन। थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। इसको जबरदस्त है तो आटा डालने के बाद, इसके बाद में धनिया पत्ता डाल दिया, इसको मिक्स करके करके साफ करके जाऊँ।
चिकन इस बर्तन में डाल रहा हूँ। दोस्तों बहुत खुशबू है, मजेदार है, आप लोग जरूर ट्राई करिए, ट्राई करिए, कमेंट में जरूरी बताएं। साथ में ग्रेवी डाल देंगे ऊपर से। मजेदार रहेगा बच्चों, आप लोग घर में बनाए, रेस्टोरेंट में बनाए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे को शेयर कर दे। तब तो बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे से मिलकर।